Hey folks, how are you all? Today we are going to start with a new subject, that is history. And history begins with ancient history. So we are going to begin with just that. और मेरा ये वीडियो जितने भी आने वाले भी वीडियो हैं वो सारे के सारे लैंग्वेज जो है उसकी इंग्लिश रहेगी, क्योंकि रिटन ट्रांसक्रिप्ट मैं आप लोगों को इंग्लिश में प्रोवाइड करूँगा, लेकिन जो मैं समझाऊँगा वो आपको कोशिश करूँगा कि वो हिंदी में भी समझा पाऊँ। और इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये पहला चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री का। सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग इसका नाम दे सकते हैं, और इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए तो इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है, तो वो भी हम लोग धीरे धीरे वो वाली स्टेज भी हम लोग रीच करेंगे जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे। इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन जो है हर किसी एग्ज़ाम में मिल सकता है, जैसे कि स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो या फिर एसएससी हो, तो इट वुड बी यूजफुल फॉर ईच एंड एवरी एग्ज़ाम। ओके, लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स इंक्वायरी और नॉलेज अक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट। इट एनलाइटन्स अस अबाउट पास्ट इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस विच हेल्प्ड शेप एंड इवॉल्व ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड एज फॉलोज। फर्स्ट इन 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश पॉलिटिकल फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट, केम टू कैटेगराइज हिस्ट्री इंटू थ्री, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। ऑल्दो इट वॉज वाइडली एक्सेप्टेड, बट इट वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि जो है जैसा हम लोगों को पता है कि बुद्धिस्ट और जैनिज़म, ये आजीविका बहुत सारे रिलीजन इस फेज में इवॉल्व हुए, तो ये इसकी जित वैधता कोई रह नहीं गई, तो इसको नकार दिया गया। देन सेकेंड इज़ बेस्ड ऑन स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू विच वी कम टू नो दैट हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इज़ द पीरियड व्हेन पीपल डिडंट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग। एग्जाम्पल इज़ द थ्री स्टोन एजेस। तीन स्टोन एजेस जो हैं वो हैं पैलियोलिथिक एज, मीज़ोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं जो है इसके बारे में जानकारी के लिए एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ से, ताकि हम लोगों को पता चल पाए कि हमारे एंसेस्टर्स जो हुआ करते थे वो कहाँ से उनकी उत्पन्नता हुई। तो पहला जो हम लोगों को कोई भी फॉसिल मिला है वो मिला है हम लोगों को अफ्रीका में। तो जहाँ तक है ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि जो अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपैथिकस और होमो हैबिलिस हुआ करते थे, यही आगे बढ़ बढ़ के जो है होमो सैपियंस में कन्वर्ट हुए। और ज़्यादातर जितने भी हम लोगों को फॉसिल्स मिले हैं, पुराने ह्यूमनाइड फॉसिल्स जिनको बोला जाता है, वो जो है वो अफ्रीका में ही मिले हैं। और बाकी कुछ हम लोगों को यूरोप में भी मिले, कुछ हम लोगों को चाइना में भी, कुछ जावा में, लेकिन इंडिया में अभी बहुत रीसेंट में हम लोगों को एक फॉसिल मिला है हथनौरा में। तो वी विल बी डिस्कसिंग इवन दैट। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था वो 4 मिलियन ईयर्स अगो पहले आया, और इसका एक बहुत ही ज़्यादा फेमस फॉसिल है, एक लेडी का लेडी स्केलेटन है, लूसी नाम दिया गया उसको। वो मिला हम लोगों को हदर में। हदर जो है वो इथियोपिया में एक जगह है, वहाँ से मिला। उसके बाद में ये इवॉल्व हुआ तो होमो हैबिलिस में कन्वर्ट हुए ये लोग। तो यहाँ पे ये 2 मिलियन ईयर्स पुरानी बात हो गई है। होमो हैबिलिस हैड वेल डेवलप्ड ब्रोकास रीजन इन देयर ब्रेन, सो दे कुड मेक साउंड्स। उसके बाद में फिर इवॉल्व होके हम लोग जो है होमो इरेक्टस पे पहुँचे। होमो इरेक्टस के में कुछ नहीं, इनके में बस होल जो होता है लोअर वर्टिब्रा में जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, तो वो जो है काफ़ी स्मॉल था जो है, लेकिन फिर भी जो है स्पीच की कैपेसिटी इनके पास में थी। होमो सैपियंस में कम्प्लीटली ही जो है स्पीच की कैपेसिटी जो है वो इवॉल्व हो गई। ऑल्दो होमो सैपियंस तो हम लोगों को पता ही है कि लेटर प्लेस्टोसिन पीरियड में ही इवॉल्व हुए ये लोग। और इंडिया में जो है वो होमो इरेक्टस मिलता है उसका फॉसिल हथनौरा से, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसको हम लोगों ने नाम दिया नर्मदा मैन। ऑल्दो ये जो है कोई मैन का फॉसिल नहीं है, ये इट्स अ फॉसिल ऑफ अ फीमेल एंड इट बिलोंग्स टू लोअर पैलियोलिथिक और मिडिल प्लेस्टोसीन पीरियड। एक और इम्पॉर्टेंट
फैक्ट है वो ये है कि फर्स्ट फॉसिल जो इंडिया में कोई भी हमको मिला वो मिला हम लोगों को शिवालिक एंड सॉल्ट रेंज से, और यहाँ पे ये मिला जो फॉसिल है ये इट इज़ अबाउट 10 to 14 million ईयर्स अगो, और इसमें जो मेल था उसका नाम रामा पैथेकस है और फीमेल जो है ये शिवा पैथेकस है, और ये ह्यूमनॉइड फॉसिल नहीं है क्योंकि जो है दे इवॉल्व इनटू एन ओरैंगउटन जो है, जो आज की डेट में हम ये ओरैंगउटन देखते हैं जावा में या सुमात्रा में, तो ये उसमें जाके इवॉल्व हुआ, तो ये ह्यूमनॉइड फॉसिल नहीं है। ह्यूमनॉइड फॉसिल अगर पूछता है तो हम लोगों को नर्मदा मैन ही नाम जो है बताना है उन्हें। और फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री इज़ रॉबर्ट ब्रूस फुट, क्योंकि इन्होंने पहला पैलियोलिथिक स्टोन टूल जो है इंडिया का जो था वो इन्होंने फाइंड किया, उसको पलावरम हैंडैक्स भी कहा जाता है। अब कुछ लोगों ने थ्योरी भी दे रखी हैं प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ कैसे है, तो सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विच वॉज प्रपोज बाय अल्फ्रेड वेगनर इन 1915 इन हिज बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। इसके हिसाब से सबसे पहले एक बहुत बड़ा सा जो है कॉन्टिनेंटल मास हुआ करता था जिसका नाम पैंजिया या फिर ऑल अर्थ हुआ करता था, इट वॉज समवेयर अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो, और ये ब्रेकअप हो गया था लॉरेशिया में और गोंडवाना लैंड में। तो जैसा कि बगल में डायग्राम बना हुआ है लेफ्ट साइड पे, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो है पैंथलेसा एक जो सी थी उस समय पे उसको पैंथलेसा कहा जाता था, और जो कॉन्टिनेंटल मास था वो उसको हम लोग पैंजिया कहते थे। इट फर्दर ब्रोक अप इनटू लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, और जो बीच की सी उनकी बचती है वो टेथिस सी हो गई, और फिर जो लॉरेशिया था वो लैवेंशिया में और यूरेशिया में टूटा, और गोंडवाना लैंड जो है उससे हम लोगों का साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये सब मिला। यूरेशिया इज़ वॉट वी नो एज़ यूरोप एंड चाइना एंड रशिया एज ऑफ टुडे। अब इस थ्योरी के हिसाब से क्या था कि जो अर्थ क्रस्ट है हम लोगों की वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो रही है ओवर अ लिक्विड कोर, और इसके फॉसिल एविडेंस भी मिले हुए हैं जो कि प्रूफ करते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स तो ज्योग्राफी जब पढ़ाया जाएगा तो उस समय बताऊंगा मैं आपको कि नास्का प्लेट और ये पैसिफिक रिम ऑफ रिंग ऑफ फायर, इंडियन प्लेट, ये सब चीज़ें हैं वहीं पे आपको बताएंगे, यूरेशियन प्लेट। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोगों को कुछ मार्सुपियल्स के जो है एविडेंस मिले, फॉसिल मिले हैं। मार्सुपियल्स तो हम जानते हैं जिन जो भी एनिमल्स जिनके पॉकेट हुआ करती हैं, जैसे कि कंगारू हो गया या कोयला हो गया, तो इनके फॉसिल्स हमको अर्जेंटीना में मिले, लेकिन आज के प्रेजेंट सिनेरियो में हम जानते हैं कि ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। तो ये प्रूफ करता है कि कुछ तो कनेक्शन रहा होगा, कि अब जैसे गोंडवाना लैंड मैंने बताया कि ये टूटा था तो उसी से साउथ अमेरिका भी निकला, उसी से ऑस्ट्रेलिया भी निकला, तो ये प्रूफ करता है कि जो है कभी ना कभी जो है ये सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े रहे होंगे। और फिर एक ग्लोसॉप्टेरिस का भी फॉसिल मिला जो कि एक किस्म की फर्न होती है, इसके भी साक्ष्य साउथ अमेरिका में ही मिले, और ये आज की डेट में लेकिन अगर देखा जाए तो वही ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है, तो ये भी वही चीज़ प्रूव करता है। अब एक जिग्सॉ इफेक्ट आता है इसी के अंदर में, इसी थ्योरी में, तो उसमें ये होता है कि जो अगर अब हम लोग वर्ल्ड मैप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि साउथ अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है इट कैन ईजिली फिट इन टू दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो इससे भी जो है ये थ्योरी प्रूव हो सकती है, और ये थ्योरी फिर जियोलॉजिकल एविडेंसेस से भी प्रूव होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड टाइप्स ऑफ रॉक, एज वी नो ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका इज जियोलॉजिकली सिमिलर टू वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, एज आयरन, एलुवियल गोल्ड एंड अदर हैवी मेटल्स फाउंड इन बोथ ऑफ दीज प्लेसेस वर ऑफ द सेम एज। फिर एक सेकेंड थ्योरी आई वो थी रेडिएशन थ्योरी, इसमें जो है ह्यूमन डीएनए का इस्तेमाल करके हम लोगों को पता चला कि जितने भी ह्यूमन डीएनए थे किसी भी रेस के हों या किसी भी जगह के हों, वो सारे के सारों का एक कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जो कि होमो इरेक्टस ही बताया गया, जो कि अफ्रीका में फाउंड किया जाता था। ऑल्दो जो इंडिया में होमो इरेक्टस फाइंड किया गया है वो एकदम कंप्लीट उसकी स्पीशीज़ ही एकदम अलग थी, तो हम लोग इस बात पे गर्व भी महसूस कर सकते हैं कि हम लोग एकदम अलग ही लोग हैं, बाकी लोगों की तरह नहीं है, बाकी दुनिया जो है वो इवॉल्व हुई अफ्रीका से जो भी लोग बढ़ते रहे वहाँ से।
फिर थर्ड थ्योरी है पैरेलल एवोल्यूशन, इसमें इन्होंने ये बोला कि जो आपके होमेरेक्टस होते हैं वो धीरे धीरे जो है माइग्रेट करना चालू हुए, तो यूरोप भी बढ़े और जगह भी बढ़े, और जो वहाँ की इंडिजिनस स्पीशीज़ जो भी वहाँ पे फॉर्म हो रही थी उनके साथ में इंटरमिंगल होके होमोसैपियंस में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद में फोर्थ थ्योरी है ह्यूमनॉइड फॉसिल एविडेंस जो मिलता है हम लोगों को, इसके हिसाब से हम लोगों को ये पता चलता है कि अफ्रीका इज़ द क्रैडल ऑफ ह्यूमन रेस, और अफ्रीका में जैसा मैंने आपको पहले बताया था लूसी हदर में फाउंड की गई थी जो कि इथोपिया में है, वैसे ही दो साइट्स और हैं ऑल्दुबई और लाउटोली। तो ये फैक्ट याद कर लीजिएगा, क्या पता कहीं पूछ ही ले। प्री हिस्ट्री की तो बात हो ही गई, अब बात करते हैं हम लोग प्रोटो हिस्ट्री की। प्री हिस्ट्री का तो अगर हम लोग कोई जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे देखें तो जो एंसेस्ट्रल जितने भी हम लोगों के थे, हम लोगों को पता है कि वो प्लेस्टोसीन पीरियड में ही इवॉल्व हुए थे, तो प्लेस्टोसीन जो है ज़्यादा मिडिल प्लेस्टोसीन तक तो जो है वो पैलोलिथिक एज ही हो जाती है। तो प्रोटो हिस्ट्री जो फॉर्म होती है वो होती है न्यूलिथिक और चाल्कोलिथिक एज में, हम लोग इसको मानते हैं। दिस इज़ द एज ड्यूरिंग विच कल्चर और सिविलाइजेशन हैड नॉट डेवलप्ड राइटिंग बट आर मैंशनड इन द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेट सिविलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल हम लोग IVC और हरप्पन सिविलाइजेशन को मान सकते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट तो इसकी डिसाइफर हुई नहीं लेकिन इसी के कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जैसे कि मेसोपोटामिया जो कि इराक हुआ, तो वहाँ की स्क्रिप्ट में इसका वर्णन मिलता है, तो इसलिए इसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री में जोड़ते हैं। अभी तक मतलब जो है स्क्रिप्ट जो है कोई बनना चालू नहीं हुई थी इंडिया में, इसलिए इसको प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट माना जाता है। जिस दिन इसकी स्क्रिप्ट डिसाइफर हो जाएगी उस दिन ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट हो जाएगा। और इसका सेकेंड एग्जाम्पल कुड बी वैदिक सिविलाइजेशन एज इट हैड एन ओरल लिटरेरी ट्रेडिशन। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि वेदास को हम लोग श्रुति भी बोलते हैं, कि गुरु शिष्य वाला सिस्टम चला, तो जो है गुरु ने अपने शिष्यों तक बात पहुँचाते पहुँचाते जो है ज्ञान को आगे बढ़ाया। इसी तरीके का कुछ हम लोग बहुत लेटर समय पे जब हम लोग इस्लामिक के ऊपर में पूरा पढ़ेंगे, वैसे तो चैप्टर का नाम इस्लामिक एक्सपेंशन इन इंडिया होता है, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उससे भी वहाँ भी हमको पता चलेगा कि सदाफा जो होते थे, कि तीन जो फर्स्ट जनरेशन्स हुआ की हुई आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद, उन्होंने ही आगे जो है चलन चलाया, तो वहाँ से इस्लाम की उत्पन्न आगे कुरान फॉर्म हुआ और वहाँ से इस्लाम जो है आगे स्प्रेड हुआ। अब प्रोटो हिस्ट्री में जो है कुछ स्क्रिप्ट्स भी जो पहले बनी हैं अलग अलग जगहों पे, उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो एक है किश टैबलेट, ये एक क्यूनिगॉम स्क्रिप्ट थी जो कि सुमेरियन लैंग्वेज में है। सुमेरिया इज़ सेम एज मेसोपोटामिया और दोनों इराकी है, सुमेरिया सदन इराक को कहा जाता है। डिस्पिलियो टैबलेट थी, वो ग्रीस में फाइंड की गई। टाटारिया टैबलेट है, ये रोमानिया में फाइंड की गई। अब तीसरा जो सब डिविजन है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट आफ्टर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, मतलब राइटिंग अब यहाँ से ईजाद हो चुकी है। एंड इट इज़ ऑल्सो द स्टडी ऑफ लिटरेट सोसाइटीज़ बेस्ड ऑन रिटन एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो यहाँ सब हम लोग सोर्सेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बीच बीच में मिडिवल पे भी जोड़ूंगा। ऑल दो मेंस में जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो ये आप याद रखिएगा कि अगर वो आपको एंशियंट हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है तो उसके अंदर में मिडिवल वाला फैक्ट्स मत दीजिएगा। मैं ये एक आपको एक ओवरव्यू देने के लिए ये सारी बातें बताऊंगा। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं दे आर फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिव बायस, क्योंकि जो है यूलॉजी भी हो सकती है, लिटरेरी सोर्स जो होते हैं वो यूलॉजी भी हो सकती है कि किसी ने किसी के प्रशंसा में कुछ बातें कह दी ऐसी, तो वो सब चीज़ें नहीं रहती, क्योंकि यहाँ कार्बन 14 डेटिंग भी हो सकती है, सो इट कैन बी डेटेड वेरी एक्यूरेटली। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड्स स्ट्रक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन एक्सकवेशन, इंस्क्रिप्शंस, न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स। इट हेल्प्स वन इन ड्रॉइंग लॉजिकल एंड एक्यूरेट कंक्लूजन अबाउट द वे ऑफ लाइफ, रिलीजन, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ द पीपल। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो है वो हम लोगों के यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंगम को बोला गया है। और जो फिर दूसरी लिटरेरी सोर्सेज होती हैं वो हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं उसको, या तो एक होती है फॉरनर्स अकाउंट और एक होता है अपना लिटरेरी सोर्स। तो जो लिटरेरी सोर्स है वो भी सब डिवाइडेड हो जाता है, एक तो रिलीजियस टेक्स्ट में जिसमें कि
जो है कई सारे टेक्स्ट मिले हम लोगों को संस्कृत में, जो मिले वो हिंदू टेक्स्ट कहला गए, जो पाली में मिले वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहला गए, जो प्राकृत में मिले वो जैनिज्म से रिलेटेड थे, फिर कुछ तमिल में मिले वो संगम एज से रिलेटेड थे। तो ये सारे के सारे जो है वो रिलीजन बेस्ड थे। तो इसके बारे में हम लोग तभी पढ़ेंगे जब हम वहाँ पे रीच करेंगे। थोड़ा बहुत आप लोगों को अगर बताना हो तो वो मैं बता देता हूँ। हिंदू टेक्स्ट में तो सबसे पहले तो चार वेदा आते हैं, उसके अलावा वेदांगा पढ़ना होता है, ब्राह्मणा पढ़ना होता है, और अरण्यकास पढ़ने होंगे, स्मृति पढ़नी होंगी, क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत सारे, संहितास भी अलग अलग जो भी वेद वेद हैं उनके कौन कौन सी संहिताएं हैं ये सब भी पढ़नी पड़ती हैं। और फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो होते हैं वो अपने पाली में थे। हीन यान जो सेक्ट होता है बुद्धिज्म का, उसमें उन लोगों ने पाली में लिखा, जो महायान थे उन्होंने ही संस्कृत में लिखा। एक फैक्ट और अगर आप लोगों को जानना हो तो जो महायान स्कूल था उन्होंने ही नाम दिया हीनयान भी, और उन्होंने ही अपना भी नाम दिया महायान वाला भी। बाकी जो है जब हम लोग पढ़ेंगे तो वैसे तो इसमें जताका टेल्स पढ़ते हैं हम लोग, त्रिपिताक पढ़ेंगे जो तीन किस्म के पिताक हैं, और इसके अंदर में फिर निकाय होते हैं बहुत सारे, मध्यम निकाय और कई सारे निकाय हैं, वो हर एक पिताक का अलग से निकाय है, ये सब पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। और उसके अलावा फिर एक फॉरनर्स अकाउंट है, ये फॉरनर्स अकाउंट मैं अभी आप लोगों को कवर करा दूंगा। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंस्क्रिप्शन से। इंस्क्रिप्शंस आर द ओनली रिलायबल सोर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री इन एब्सेंस ऑफ कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिकल राइटिंग्स। अब ऐसा इसलिए है कि हिस्टोरिकल राइटिंग हम लोगों के इंडिया में अब जो है सिर्फ एक कल्हान ने जो राजतरंगिणी लिखी, सिर्फ उसी को हम लोग एक हिस्टोरिकल वर्क मानते हैं इन ट्रू सेंस। बाकी जो है जितने भी टेक्स्ट हैं उन लोगों को हम लोग हिस्टोरिकल टेक्स्ट मान नहीं पाते हैं। तो जो इंस्क्रिप्शंस हम लोगों को अलग अलग जगहों से मिलते हैं, अलग अलग राजाओं ने बनाए ये उस समय पे, तो उन लोगों से हम लोगों को जानकारी मिलती है उस समय की पॉलिटिकल हिस्ट्री को कर्व करने की। और इंस्क्रिप्शंस कुड बी केव, पिलर, रॉक, प्लेट और सील इंस्क्रिप्शंस, दिस वी नो ऑलरेडी। सम एग्जांपल्स कुड बी अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये समुद्रगुप्त का था, इनके कोर्ट पोएट थे हरिसेना, उन्होंने लिखा। मैरोली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, ये चंद्रगुप्त का था, चंद्रगुप्त टू का था, और ये जो है उदयगिरी केव जो है उसके पास में मिला है, इनके कोर्ट पोएट थे वीरा सेना, उन्होंने लिखा। इसके अलावा फिर भिटारी इंस्क्रिप्शन है, इससे हम लोगों को पता चलता है कि हूना इन्वेजन हुई थी। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, उससे हमको पता चलता है खारवेल के बारे में, ये एक महामेघवाना रूलर हुआ करता था, महामेघवाना एक डायनेस्टी थी उसका रूलर था। आई होल इंस्क्रिप्शन हम लोगों को पुला कैसन टू के बारे में पता चलता है, इनका कोर्ट पोएट थे रवि कृति, उन्होंने ये लिखा था। और पुला कैसन टू वॉज अ चालुक्य ऑफ बदामी। चालुक्यास के बारे में बताएं तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को हल्का क्लियर क्लैरिटी के लिए बता दूं, ताकि आप लोगों को आगे थोड़ा सा दिक्कत ना हो जिन्होंने हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है पहले से। चालुक्यास जो है वो कई फेजेस में डिवाइड हुए, तो सबसे पहले चालुक्यास ऑफ बदामी आए थे, फिर चालुक्यास ऑफ कल्याणी आए, फिर लेटर चालुक्यास थे, और जो लेटर लेटर चालुक्यास थे उसी का एक रूलर हुआ करता था भीमावन, जिसने जब महमूद ऑफ गजनी जब आया, जिसने सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया था, वो 1000 से 1027 के बीच में आया था, तो 20 उसने 17 टाइम जो उसने रेड करी, उसकी जो 16th रेड थी उसमें उसने सोमनाथ मंदिर को विध्वंस कर दिया। तो उसमें जो है विध्वंस तो उसने जो कर दिया सो कर दिया, तो उस समय चालुक्य जो अनिलवाद में था, अनिलवाद एक एरिया है गुजरात में, तो ये वहाँ पे था, तो उस समय पे महमूद ऑफ गजनी जो था वो इसके इससे जाके लड़ा नहीं कभी भी, इसलिए कि उसको पता था कि हम इससे हार जाएंगे, ये इतना ज़्यादा पावरफुल किंग हुआ करता था। और इनफैक्ट जब उसने सोमनाथ मंदिर तोड़ के चला गया वो, तो उसके बाद में इसने उसको रिपेयर भी करवाया। तो नेक्स्ट इज अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन, ये तो अभी क्वेश्चन ही आ गया था, ये पुष्यमित्र शुंगा का इंस्क्रिप्शन है, इससे पता चलता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। फिर बेसनगर इंस्क्रिप्शन है, वो हेलियोडोरस का है, ये एक इंडो ग्रीक एम्बेसडर हुआ करता था। और ये एक बोगास कोई इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिलता है, ये टर्की में मिलता है, इसमें हम लोगों को ये पता चलता है कि इसमें वर्णन है कुछ हम लोगों के इंडियन गॉड्स का, जैसे कि इंद्रा हो गए, वरुण हो गए, नसत्या हो गए, इस जो है, तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि सेंट्रल एशियन
जो हम लोग बताते हैं कि ओरिजिन था आर्यंस का, वो यहीं इसी जो है इंस्क्रिप्शन की वजह से बोला जाता है कि बोगास को इंस्क्रिप्शन की वजह से। और फिर दो और इंस्क्रिप्शन बाहर जो मिले हम लोगों को, एक पर्सीपोलिस में है और एक नक्शे रुस्तम में, ये दोनों ईरान में ही हैं। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है, ये एक परंतक वन का है, ये एक चोला रूलर हुआ करता था, ये फाउंडर था चोला किंगडम का। चोलास भी जो है अलग अलग फेजेस में डिवाइड होते रहे। सबसे जो पुराने एंशंट चोलास थे उसका फाउंडर था परंतक वन, फिर मिडिवल चोलास आए तो उसके फाउंडर थे विजयल्या, फिर एक लेटर चोलास मिलते हैं जिनको हम लोग चालुक्य चोलास बोलते हैं, तो वो जो है उसका फाउंडर था कोलोटुंगा। कोलोटुंगा जो है उसने वो फेमस इसलिए है कि उसने 72 मर्चेंट्स जो हैं, 72 मर्चेंट्स ही सेंट टू चाइना, तो इसलिए वो काफ़ी फेमस रहा। थोड़ी सी थ्योरी और देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस आर ईदर इन संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज, सम इंस्क्रिप्शंस इन रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो। जो है कुछ स्क्रिप्ट हम लोगों को मिली हैं ब्राह्मी और खारोष्टी की, और फैक्ट अगर बताएं तो ब्राह्मी को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में डिसाइफर किया और खारोष्टी को जेम्स प्रिंसेप ने 1847 में डिसाइफर किया। खारोष्टी स्क्रिप्ट में इनफैक्ट जो अशोका का जो फोटो, जो 14 उसने मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं उसके, उसमें से दो हैं जो खारोष्टी स्क्रिप्ट में हैं, बाकी ज़्यादातर तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखे गए। तो वो थे मानशेरा और शहबाजगढ़ी जो खारोष्टी में लिखे गए, और कुछ उसके स्क्रिप्ट जो है ग्रीक और अरमाइक में भी लिखे गए हैं। वो अफ़गानिस्तान में जो हम लोगों को मिलते हैं, एक है कांधार में जिसको शहर कूना बोला जाता है, दूसरा है लंपक। स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस हेल्प इन डिटरमाइनिंग डेट ऑफ एन इवेंट, रेजीम और लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर किंग। और कुछ और थोड़े बहुत इंस्क्रिप्शंस जो हम लोगों को पता कर लेने हैं। ये डायरेक्ट जो है क्वेश्चन जो बनेंगे अगर कि ये भाई किसका कौन सा इंस्क्रिप्शन था, तो वो यहाँ से हम लोग पकड़ सकते हैं, तो इसमें काफ़ी फ़ायदा मिल जाता है। मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ये देवपाल का था, भागलपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ये धर्मपाल का था। आगे अभी थोड़ी देर के बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा इन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई थी, तो वो भी आपको पता चलेगा। नौसिसी बांसखेड़ा मधुबन सोनपत इंस्क्रिप्शन ये सारे सारे हर्षवर्धन ने बनाए थे, जो कि एक कुशीभूति या वर्धन डायनेस्टी का रूलर था, बहुत फेमस रूलर था। इसने जो है काफ़ी पोएम्स भी लिखी हैं, और जो है क्या कहते हैं नर्मदा तक तो ये पहुंची गया था, इनफैक्ट गोदावरी तक जो है इसकी रीच पहुंची थी एक टाइम पे, तो नॉर्थ इंडियन किंग होते हुए भी वहाँ तक रीच किया था, तो काफ़ी फेमस रूलर रहा। फिर एक सिल्वर टैबलेट इंस्क्रिप्शन है, ये डेरियस वन का है। ये हम लोग जब पढ़ेंगे कि ईरानियन जो है इन्वेजन हुए थे इंडिया में, तो वो साइरस आया था, वो ये उसी का ग्रैंडसन हुआ करता है, इसका लड़का था जर्क्सिस, वो भी काफ़ी फेमस रूलर रहा। फिर अशोका का रुमनदेही और लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन भी है, इससे हम लोगों को पता चलता है कि ये लुम्बिनी भी पहुँचे थे वहाँ पे, गए उस समय तक इन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, अपना खुद की धम्मा पॉलिसी निकालना चालू कर दी थी, तो इन्होंने वहाँ पे बलि टैक्स होता था मौर्य टाइम में, तो वो एग्जेम्प्ट कर दिया था। माहिस्तान और सौगड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। माहिस्तान जो है वो बोगरा में है बांग्लादेश में, और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है ये पहला इंस्क्रिप्शन ऐसा है जो कि जो है चेस्ट संस्कृत में लिखा गया है, एकदम क्लासिकल संस्कृत में, और इट्स द फर्स्ट एवर लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन इन चेस्ट संस्कृत। रुद्रदमन एक शाका रूलर था जो है, बाकी हम लोग अभी आगे और थोड़ा बहुत शाका इसके बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त टू जो थे उनको शकरी भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने शाका को ख़त्म कर डाला था। जो है वो जो लास्ट शाका रूलर था उसका नाम था रुद्रसिम्हा थ्री, उसको उन्होंने मार डाला था। और फिर गिरनार इंस्क्रिप्शन हैं, ये भी अशोका के हैं, ये जो है ऑल्सो दे ऑल्सो मैंशन ऑफ रुद्रदमन एंड स्कंदगुप्त। फिर भिटारी पिल्लर इंस्क्रिप्शन है, ये स्कंदगुप्त का है। ये स्कंदगुप्त इसलिए इम्पोर्टेंट थे क्योंकि ये हूना इन्वेजन इनके समय पे बहुत सारा हुआ, तो इसलिए जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, उसने बचा भी ले गया था ये अपने एम्पायर को हूना इन्वेजन से। कहम पिलर इंस्क्रिप्शन भी स्कंदगुप्त का है, इससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त को शक्रोपमा भी बोला जाता है।
फिर मंडसौर इंस्क्रिप्शन है, ये यशोवर्मन या यशोधर्मन ऑफ कन्नौज के नाम पे है। ये कालीकारा किंग हुआ करता था, इसने जो है हूना था एक बहुत पॉपुलर मीर कुल नाम का, उसको इन्होंने जो है जान से ही मार डाला। ही वॉज अ रूलर ऑफ मालवा, और बैटल ऑफ सोंडनी हुई थी 528 AD के आसपास में, वहीं उसी में इसने वहाँ पे मीर कुल को मारा था। फिर एक ईरान इंस्क्रिप्शन है, ईरान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग IVC की स्टेज पे जब पहुँचेंगे, तब मैं बताऊँगा कि प्री हरप्पन सिविलाइजेशन जो थोड़ी बहुत अरे कल्चर्स जो इवॉल्व होना चालू हुए थे, तो उसमें ईरान कायथ कल्चर जब पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे पढ़ते हैं, ये MP में है तो जो है वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा। ऑल दो बहुत से कल्चर्स इवॉल्व हुए थे, सोठी कल्चर हुआ था, फिर गांधार कल्चर हुआ था, यूपी में अतरंजी खेड़ा में OCP कल्चर स्टार्ट हुआ था, ओकरे कलर्ड पॉटरी कल्चर, ये सब जो है वहाँ उस समय पे इवॉल्व हुए, तो उस समय बताएंगे। ईरान इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को तोरमड़ के बारे में पता चलता है, ये एक ह्यूना हुआ करता था, और यही एक इंस्क्रिप्शन है, इसको आप कोट कर सकते हैं और याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले इंडिया में सती प्रथा के बारे में अगर कोई कहीं से पता चलता है तो इसी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। एक कोई आर्मी कमांडर हुआ करता था गोपराज नाम का, उसकी बीवी ने सती कमिट कर लिया था, तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में दूसरा आता है फिर न्यूमिस्मैटिक या कॉइनेज। द अर्लीस्ट कॉइन्स इन इंडिया डेटेड टू 7th और 6th सेंचुरी BC। द अर्लियर कॉइन्स बोर पंच मार्क्स। लेटर कॉइन्स फॉर मिंटेड एंड सर्कुलेटेड बाई एवरी डायनेस्टी रूलिंग इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दीज कॉइन्स डिस्प्लेड इरिडेसेंट वराइटी एंड हाई एस्थेटिक टेस्ट। देवर मिंटेड इन सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड लेड। कॉइन्स आर कंसिडर्ड एज रिच सोर्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंशियंट हिस्ट्री। द पॉसिटी एंड पुअर क्वालिटी ऑफ मेटल यूज हेल्प्स वन इन डिड्यूसिंग फैक्ट्स अबाउट इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पर्टिकुलर एज। अब इकोनॉमिक लाइफ के बारे में ये कैसे बताएगा वो हम अगर जाने तो होर्ड्स ऑफ फॉरेन कॉइन्स जो है वो हम लोगों को मिलते हैं अलग अलग रीजन से, जैसे कि एक एग्जांपल लें तो रोमन कॉइन्स जो हैं वो हम लोगों को मिलते हैं तमिल रीजन से, जैसे कि हमको पता चलता है कि जो है रोम के साथ में तमिल रीजन का इनफैक्ट चोलास के टाइम पे काफ़ी अच्छा इन लोगों का वो ट्रेड ट्रेड होता था आपस में, तो वो पता चलता है। एक और फैक्ट जानना है तमिल रीजन के बारे में तो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी करके एक बुक है होती है, ये एक एनोनिमस राइटर है, इसका राइटर आज तक पता नहीं चल पाया, लेकिन इस बुक में पोर्ट्स के बारे में कुछ बता रखा है तमिल रीजन के, तो उनके नाम भी याद कर लीजिए, नारा, तोड़ी, मुशिरी एंड नली संदा। इसी बुक में हम लोग मेंशन पाते हैं कि उरैयूर जो है जिसका नाम इसमें कोली या वर्णम के नाम से बोला गया था इस बुक में, तो यहाँ ये फेमस था कॉटन ट्रेड के लिए, और अरिका मेदू था जिसका नाम इस बुक में पौडुके नाम से लिखा गया, तो इससे पता चलता है कि यहाँ रोमन सेटलमेंट भी होती हुई थी तमिल रीजन में। यहाँ पे इंटाग्लियो ऑफ अ मैन मिला, और ये जो मैन था ये ऑगस्टस सीजर से हम लोग जो है इसको जोड़ के देखते हैं आज की डेट में, और अम्फोरा जार भी मिला था यहाँ पे। अम्फोरा जार जो है एक जार होता है जिसमें डुअल हैंडल होते हैं, और ये जो है उस समय पे ड्रिंक करने के लिए रोम के समय पे ही रोमन एम्पायर में ही ज़्यादातर यूज़ होता था, तो ये भी एक यहाँ से पता चलता है। बाकी एक हम लोगों को अगर जानना हो तो यवन प्रिय हम लोग बोलते थे ब्लैक पेपर को, तो वो भी रोमन्स जो है काफ़ी लाइक करते थे और बहुत महंगा मिलता था, तो जो है ये भी एक फैक्ट है, इसको भी ऐड कर लीजिएगा। वंस नॉलेज ऑफ इंडो ग्रीक शाकाज इज एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन कॉइन्स। डेटेड कॉइन्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग डेट्स ऑफ पर्टिकुलर इवेंट्स और रेजीम। कमेमोरेटिव कॉइन्स थ्रो लाइट ऑन सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ द डे। अब कमेमोरेटिव कॉइन्स जो हैं वो अगर हम लोग देखें तो एक जैसे हम लोग मैंने आप लोगों को बताया चंद्रगुप्त टू जो थे उन्होंने लास्ट जो शाका था रुद्र सिम्हा 3 उसको जो है इन्होंने मार डाला था, और जो है अपना एक टाइटल इन्होंने ग्रहण किया, विक्रमादित्य भी बोलते हैं इनको, और ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स। ये सिल्वर कॉइन्स का नाम जो है रूपक नाम हुआ करता है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो आप अगर मेंस के आंसर में आपको लिखना हो, और थोड़ा बहुत फैक्ट वैसे तो प्री में भी पूछ लेता है इनमें से कई बार, तो
कॉइनेज के बारे में। तो इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू कॉइन्स, और वीमा कैडफाइसेस ये कुशाना रूलर हुआ करता था। सेकंड कुशाना डायनेस्टी जो थी उसका रूलर थे कनिष्क, जिन्होंने एक अपने में एरा स्टार्ट किया था जिसको हम लोग कहते हैं शाका एरा। और जो वीमा कैडफाइसेस था ये यूची ट्राइब का था, ये फर्स्ट कुशाना जो डायनेस्टी बनी उसके ये लोग रूलर हुआ करते थे। इसके फादर जो थे कुजला कैडफाइसेस, उन्होंने स्टार्ट किया था इस डायनेस्टी को। दे शूट गोल्ड कॉइन्स पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन स्टार्ट किया था। और फिर गुप्ता के जो रूलर्स थे, इन लोगों ने भी गोल्ड कॉइन स्टार्ट किए थे, जिनका जो है नाम दिनार रखा गया था इन गोल्ड कॉइन्स का। तो अलग अलग किस्म के कॉइन्स स्टार्ट किए थे, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। चंद्रगुप्त ने कुमारा देवी टाइप ऑफ कॉइन, समुद्रगुप्त जो कि कविराज भी कहलाते थे, ये वीणा भी बजा लेते थे, बांसुरी बजा लेते थे, तो यही सब कॉइन्स पे इन्होंने दर्शाया। और धनुर्धारी और आर्चर टाइप ऑफ कॉइन था, गरुण टाइप ऑफ कॉइन था, वेगनर हनम किलिंग टाइगर टाइप ऑफ कॉइन था इन्हीं का। चंद्रगुप्त टू का अगर हम बात करते हैं तो इनके कॉइन्स जो हैं वो अश्वरोही थे, इससे हमको पता चलता है कि इन्होंने टाइटल लिया परम भागवत का। छत्रधारी टाइप ऑफ कॉइन था जिसको अम्ब्रेला टाइप ऑफ कॉइन भी कहते हैं, वो जो है उससे पता चलता है कि इन्होंने टाइटल लिया विक्रमादित्य का। और फिर तीसरा था चक्र विक्रम टाइप ऑफ कॉइन इन्हीं का। चंद्रगुप्त टू वॉज द ओनली गुप्ता रूलर टू इशू कॉपर कॉइन्स, ठीक है। और कुमार गुप्ता जो थे, इन्होंने गजरोही, खड़ा खड़गाधारी, सिन निहंता, खंग नियंता, खंग नियंता मतलब राइनोसरस स्लेयर टाइप ऑफ कॉइन, कार्तिकेय बने हुए थे एक इनके कॉइन पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। और प्रतीक मुद्रा जो है इस टाइप के कॉइन इन्होंने निकाले। और फिर स्कंदगुप्त आ जाते हैं, स्कंदगुप्त ने आर्चर किंग एंड क्वीन, छत्रा और हॉर्समैन टाइप ऑफ कॉइन इन्होंने निकाले। वो पहले जो हम लोगों ने पढ़ा जो है छत्रधारी और अश्वरोही, अश्वरोही जो था ये हॉर्स राइडिंग टाइप था, और यहाँ पे ये हॉर्समैन टाइप ऑफ कॉइन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। और एक फैक्ट, और थोड़े मुगल और क्या कहते हैं मतलब मिडिवल पीरियड के आपको अगर मैं बताऊं तो वो ये हैं कि कॉइन्स ऑफ महमूद गजनी स्ट्रक इन इंडिया विद अरबिक एंड संस्कृत लेजेंड्स ऑन ऑब्जर्व एंड रिवर्स रिस्पेक्टिवली, मतलब एक तरफ अरबिक में लिख रखा है और एक तरफ संस्कृत में लिख रखा है। और एक धर्म मिला था लाहौर में जिसमें कि शारदा स्क्रिप्ट में लिखा गया था और कलोकियल संस्कृत में था, और इस्लामिक कलिमा को कलोकियल संस्कृत में लिख रखा था। आइए अब बात कर लेते हैं थोड़े बहुत दिल्ली सल्तनत और मुगल रूलर्स की भी। इल्तुतमिश जो था इसने टंका और जीतल ये दो कॉइन्स निकाले थे, टंका सिल्वर था, जीतल कॉपर था। टंका जो था ये फर्स्ट कम्प्लीटली अरेबिक और इस्लामिक कॉइन कहलाता है। शेरशाह सूरी जो था इसने रुपया और दम निकाला। हुमायूं वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर टू इशू अ गोल्ड कॉइन। अकबर जो था इसने सिल्वर कॉइन थे इसके जलाल, दरब और पंडव, गोल्ड कॉइन थे इलाही और मुहर। कॉपर कॉइन तो इसने वही पुराने जो शेरशाह सूरी और इल्तुतमिश के टाइम पे चलते थे उसी को फॉलो किया इसने, दम और जीतल। बाकी कुछ एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, काली एरा जो है ये स्टार्ट हुआ था 3102 BC में। यहाँ से हम समझते हैं कि कलयुग का शुरुआत हुआ था। फिर विक्रम एरा होता है ये 58 BC में आया। शाका एरा, विक्रम एरा तो हम लोग उस जानते हैं कि एक विक्रमादित्य एक रूलर था उज्जैन का जिसने शाकास को हरा दिया था, ये 58 BC की बात है। और जहाँ तक ये गौतमी पुत्र शतकर्णी हुआ करता था एक सतवाहन रूलर, ये उसी की बात की जा रही होती है ऐसा कई स्कॉलर्स का मानना है। शाका एरा जो है ये कनिष्क का था जो कि एक कुशान रूलर था, ये 78 AD की बात है। गुप्ता एरा, चंद्रगुप्त जो गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट करी, तो ये 319 AD में स्टार्ट हुई थी। ऑल दो IAS का एक पेपर था उसमें शायद इन 2012 उसमें 320 AD बता रखा था। और लक्ष्मण एरा, एरा जो है ये एक रूलर हुआ करते थे सेना डायनेस्टी के, लक्ष्मण सेना नाम था उनका, तो ये उसने स्टार्ट किया था, ये 1178 AD की बात है।
Now let's move on to next type of archaeological source, which is ancient monuments. Ancient monuments are of no use in constructing political history, but are of immense help in drawing a picture of cultural life. They tell us about the stage of development attained by the people in the field of architecture, sculpture, and engineering. Some monuments of foreign countries are living proof of close cultural ties between India and those countries. Example being Angkor Wat Temple in Kampuchea, जिसको अब हम लोग कंबोडिया बोलते हैं, ये बनाया था सूर्य वर्मन टू ने, ये खमेर किंग था वहाँ का, खमेर कोई डायनेस्टी रही होगी. बोरा बुदुर स्तूपा है, ये जावा में फाउंड हुआ, ये मायान बुद्धिज़्म को जताता है और इसी के तोड़ के चक्कर में कि भाई थोड़ा हिंदुज़म भी फैल जाए तो चक्कर में फिर प्रम्बानन टेम्पल बना, जिसको रारा जोंगरंग भी बोलते हैं, ये इंडोनेशिया में फाउंड किया, संजय डायनेस्टी का रूलर था रकई पिकटन. आइए कुछ केव्स की बात कर लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे तो लगातार क्वेश्चन बनते हुए आते हैं और डायरेक्ट ही क्वेश्चन होते हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछता. सबसे पहले बराबर हिल्स देख लेते हैं. जैसा कि हम लोगों को पता है अशोक मौर्य जो था, अशोका दी ग्रेट कहलाता है. दो ही तीन लोग थे जो द ग्रेट कहलाए, एक तो अशोका द ग्रेट कहलाया, एक अकबर द ग्रेट कहलाया और एक अपना राजा वन जो एक चोला डायनेस्टी हुआ करती थी वह उसको वो भी द ग्रेट कहलाया. तो ये जो अशोका थे इन्होंने जो है आजीविकास जो कि माकली घोसला जो था उसका एक सेक्ट था, तो वहाँ पे उसने स्टार्ट किया था आजीविकास. ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू लॉर्ड महावीरा. तो बराबर केव जो है ये उसी समय पे जो है डोनेट किया गया इनको. इसके अंदर में चार आते हैं, लोमास ऋषि केव आता है, करण चौपार आता है, सुदामा केव आता है, विश्व झोपड़ी केव आता है. फिर दूसरा है नासिक या पोडुलनी केव, ये सतवाहनाज ने बनाया और ये जो है बुद्धिस्ट केव हुआ करता है. फिर बाघ और अजंता, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये म्यूरल पेंटिंग्स यहाँ पे मिलती हैं हम लोगों को और दोनों ही बुद्धिस्ट जो है इन आउटलुक हैं और दोनों को ही गुप्ता पीरियड में ही जो है स्टार्टिंग हुई दोनों की बनने की. ऑल्दो अजंता जो केव है इसको आगे चल के वकाटाकाज डायनेस्टी होती थी उन्होंने और सतवाहना दोनों लोगों ने इसको आगे बढ़ाया. ये अजंता केव में लगभग 26 केव्स हैं, इसमें से 9वां 10वां 12वां 13वां और 15वां वकाटाका ने बनवा दिया था. इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि केव नंबर 2 जो इसका है वो उसमें बुद्धा इन धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा जो है वो दिखाए दर्शाए गए हैं. जैसा म्यूरल पेंटिंग मैंने आपको बताया कि म्यूरल पेंटिंग दर्शाई जाती है यहाँ पे. और फिर केव नंबर 17 है, इसमें व्हील ऑफ लाइफ दिखाई जाती है. केव नंबर 26 में महापरिनिर्वाण बुद्धा का जो है वो बताया जाता है. और एक और है केव नंबर 16 में फ्रेस्को पेंटिंग होती है, इसमें वो डाइंग प्रिंसेस के नाम से बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो याद कर लीजिएगा इसको भी. और फिर कन्हेरी केव आता है, ये भी वही महाराष्ट्र में मुंबई के पास पड़ता है, ये भी बुद्धिस्ट इन आउटलुक है. सब राष्ट्रकूटाज ने बनाए हैं आने वाले समय वाले, कन्हेरी एलोरा एलिफेंटा तीनों राष्ट्रकूटाज नहीं बनाए. एलोरा केव जो है इसमें लगभग 100 केव्स हैं लेकिन 34 जो है दे आर ऑफ इम्पोर्टेंस, जिसमें से 17 आर हिंदू केव्स, 12 आर बुद्धिस्ट एंड 5 आर जैन. हिंदू केव्स में अगर रॉक कट कोई टेंपल बना हुआ है, एक तो वो कैलाश टेंपल है जिसको कृष्णावन ने बनाया था जो कि राष्ट्रकूटा था, और राष्ट्रकूटा में जैन लोगों को भी इनको भी जो है इन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया, स्पॉन्सर किया. तो इसमें से एक जैसे आप मानेंगे तो अमोघ वर्षा जो थे, इन्होंने प्रश्नोत्तर रत्नामलिका नाम की किताब लिखी थी, तो इनको जीना सिन्हा नाम के एक प्रीस्ट हुआ करते थे उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था जैनिज्म में. और एलिफेंटा केव जो है इसके अंदर में ये हिंदू और बुद्धिस्ट केव है, तो जो है इसमें हिंदू केव में जो है 5 केव हैं, उसमें से एक त्रिमूर्ति इंसिग्निया भी यहाँ पे मिलता है. त्रिमूर्ति वैसे तो शिवा को बोला गया है लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही लोगों को जताया गया इसमें, और 2 बुद्धिस्ट केव हैं. फिर एक उदयगिरी केव आ जाता है जहाँ पे वराह अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु हमको मिलता है. अब हम पढ़ते हैं टेम्पल्स के बारे में कुछ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है.
इसमें कुछ कुछ हम लोगों को जानना ज़रूरी है, ऑल दो नॉट एवरी वन इज़ दैट वेरी मच अ पेरीपेटेटिक किस्म ऑफ अ पर्सन, हर कोई इतना ट्रैवल नहीं करना पसंद करता है कि हर किसी चीज़ की जानकारी हो, लेकिन इतना तो कोई भी आयोग हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो, वो लोग सोचते हैं कि इतना हर आदमी को कॉमन सेंस नाम पे इतना पता होना चाहिए। तो टेम्पल्स जो है उसमें पहला रॉक कट टेम्पल्स जो हैं उनकी बात कर लें तो कैलाश टेम्पल मैंने बता ही दिया आपको, कृष्णावन ने बनाया था, राष्ट्रकुटा इन्होंने एलोरा केव बनाया। फिर शो टेम्पल है, ये जो है शो टेम्पल और सेवन रथा टेम्पल बहुत ज़्यादा जो है फेमस हैं, इनको पल्लवा डायनेस्टी ने बना में बने थे, नरसिम्हा वर्मन वन ने बनाया था। और इनफैक्ट नरसिम्हा वर्मन को जो है हम लोग मम्मलन नाम इनका पड़ा था, तो इन्होंने मम्मलन पुरम करके एक जगह बनाई जो कि महाबलीपुरम आगे चल के बना। और यहाँ पे महादपास रॉक कट केव्स भी हैं, और रॉक कट केव्स में अगर आपसे कभी पूछे कोई तो अजंता तो है ही है, तो महाबलीपुरम भी है, तो ये भी याद रखिएगा। और जैन टेम्पल्स की बात कर लेते हैं कुछ, तो सोनागिरी है एक मध्य प्रदेश में, दिलवारा में माउंट अबू है जो कि मार्बल एंड स्टोन कार्विंग्स हैं जिसमें, जिनेन्द्र टेम्पल है एक मेगुती में जो कि चालुक्याज ने बनवाया था। और फिर पंचायतन टेम्पल्स आते हैं, पंचायतन टेम्पल वो कहते हैं जिसमें एक जो मेन श्राइन है वो तो बीच में रहती है, बाकी चारों तरफ जो है छोटी छोटी श्राइन्स और रहती हैं। तो ऐसे कुछ टेम्पल्स के एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक तो जैसे कंडरिया महादेव टेम्पल है, ये खजुराहो में है, और खजुराहो चंडीला किंग ने ही जो है यहाँ पे बनवाया था, सब आपको पता ही होगा, चंडीला डायनेस्टी जो है वो रूल करती थी खजुराहो पे, फिर लेटर दे शिफ्टेड देयर कैपिटल टू महोबा इन यूपी। और फिर ब्रह्मेश्वर और लिंगराज टेम्पल है, ये भुवनेश्वर में मिलता है। इसके अलावा दशावतार टेम्पल है, ये देवगढ़ में है उत्तर प्रदेश में, ये भी पंचायतन टेम्पल ही है। खजुराहो का कुछ देखना चाहें तो यहाँ पे हिंदू और जैन दोनों टेम्पल मिलते हैं। हिंदू टेम्पल्स में जो है एक मटंगेश्वर टेम्पल है, चित्रगुप्त टेम्पल है, 64 योगिनी टेम्पल है, 64 योगिनी टेम्पल जो है ये दुर्गा को एस्क्राइब्ड है। और जैन टेम्पल्स में पार्श्वनाथ जो लॉर्ड पार्श्वनाथ हैं, तीर्थंकर एक हुआ करते थे उनके लिए है, और एक घंटाई टेम्पल है जो कि ऋषभ देव के लिए है, और इनको जो है किंग ढंगा के टाइम पे बनाया गया जो कि चंडेला रूलर हुआ करते थे, 950 से 1050 एडी के बीच में बने ये सब। सन टेम्पल्स के कुछ अगर हम लोग देखना चाहें तो उसमें एक मोढेरा जो है गुजरात में, इसको भीमावन ने बनाया था जो कि एक चालुक्या था, जब मैंने आपको बता ही दिया था ये वही भीमावन है जिसने वो जब महमूद ऑफ गजनी आया प्लंडरिंग के लिए तो जब सोमनाथ मंदिर तोड़ गया तो इसने रिपेयर कराया था, 1026 AD की बात है ये। फिर मार्तंड टेम्पल है एक जम्मू कश्मीर में, ये भी सन टेम्पल है, ये 8th सेंचुरी में बना था AD में, और इसको ललितादित्य ने बनाया था जो कि एक करकोटा डायनेस्टी का रूलर हुआ करता था। और फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो कोणार्क टेम्पल हम लोग जानते ही हैं उड़ीसा में, और ये 13th सेंचुरी का है, इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है, उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है उसको वाइट पगोड़ा भी बोला जाता है, और इसको नरसिम्हा देव वन ने बनाया था जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का एक रूलर हुआ करता था। फिर कुछ बात हम लोग कर लेते हैं, अच्छा नहीं, एक सन टेम्पल और है वो लड़खान टेम्पल है जो कि आईहोल में है, और इसके अलावा एक जो है सन टेम्पल वो बिहार में भी हम लोगों को मिलता है, वो जगह का नाम है तारेगना। यहाँ पे जो आर्यभट्ट हम लोग जो मशहूर मैथमेटिशियन है हमारे, जिन्होंने साइन कोसाइन और ये सारी चीज़ों पे वर्क किया था अपने समय पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और कैलकुलस के ऊपर में, वैसे एस्ट्रोनॉमी के ऊपर में भी काफ़ी वर्क किया, आर्य सिद्धांतिका आर्य सिद्धांत नाम से बुक और आर्यभटिया बुक इनकी थी, तो इन्होंने यहाँ पे अपना एक सोलर ऑब्जर्वेटरी भी बना के रखी थी। साउथ इंडियन टेम्पल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो है जैसा हमको पता है कि ये द्रविड़ स्टाइल होता है, द्रविड़ स्टाइल में जो है हम लोगों को पता चलता है कि जो इनका शिखर हुआ करता था वो परपेंडिकुलर हुआ करता था, और जो है गोपुरम हुआ करते थे द्रविड़ स्टाइल में। गोपुरम से कहने का तात्पर्य होता है कि जो मेन गेटवे होता है वो इतना बड़ा होता है कि अंदर का मंदिर दिखाई नहीं दे पाता है, तो उस तरीके के कुछ टेम्पल्स हैं, जैसे कि एक बृहदेश्वरा टेम्पल है, ये टैंजोर में है, इसमें टॉलेस्ट नंदी आइडल यहाँ पे मिलता है,
इसको राजा राजा वन ने बनवाया था, राजा राजा वन द ग्रेट। इनके जो लड़के थे वो राजेंद्र चोला, वो जो है उन्होंने श्रीलंका के जो शैलेंद्र किंग थे उनको जो है टपका दिया था और वहाँ पे अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी अनुराधापुर में, और जो है एक टाइटल अपना बनाया था गंगईकोंडा, जो है इनका टाइटल पड़ा था, और इन्होंने एक सिटी बना दी थी गंगईकोंडा चोलापुरम। राजेंद्र वन की बात हो रही है। और जहाँ तक रही बात राजा राजा वन की, तो राजा राजा वन के समय पे यही जो शैलेंद्र किंग जिनको ये इनके लड़के ने मार दिया था, तो उनको इन्होंने परमिशन दी थी यहाँ पे चूड़ामणि जो है बुद्धिस्ट विहार बनाने की नगापट्टनम में, तो इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा। और फिर आते ही है बात अपनी मीनाक्षी टेम्पल की, ये मदुरई में है, इसको पांड्याज ने बनाया था, रूलर था कुलासेकरा पांड्या, इसने बनवाया था। और फिर पल्लवाज के समय पे अनंतेश्वर टेम्पल है उंडुवल्ली में, पेरुमल टेम्पल है कांची में, मंडपा टेम्पल है, शोर टेम्पल है ममल्लापुरम में, तो ये सारे टेम्पल इन लोगों के रहे। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ की भी बात कर लेते हैं जो एंशंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, जैसा हम लोग जानते हैं कि जो मोहम्मद घोरी आया तो 1192 में बैटल ऑफ तराइन हुई, और उसमें अपने पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो बेचारे शहीद हो गए, और जो है उसके बाद में इन्होंने बख्तियार खलजी नाम का रूलर जो हुआ करता था, अपने साथ का कमांडर था, उसको भेज दिया था, उसने नालंदा और विक्रमशिला दोनों यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिया था। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसे बनी थी, तो ये गुप्ता पीरियड में बन गई थी, ये कुमार गुप्ता ने बनवाया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर में है और ये धर्मपाल ने बनवाया। नालंदा जो है वो बड़ा गांव में है, यहीं पे बिहार में। और सोमापुरी यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल में है, इसको धर्मपाल ने बनवाया। जगदल यूनिवर्सिटी को रामपाल ने, उदनपुरी को बिहार शरीफ में है ये गोपाल ने बनवाया, ये सारे पालई रूलर्स थे। और फिर वल्लभी जो यूनिवर्सिटी है गुजरात में, उसको भतरका ने बनाया जो कि एक मैत्रक रूलर हुआ करता था। आइए अब कुछ लिटरेरी सोर्सेज देख लेते हैं। ये तो सारी बातें हो गई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, अब लिटरेरी सोर्सेज की बात करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज़ रिलीजियस लिटरेचर एंड सेकंड इज़ नॉन रिलीजियस और सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर तो जब समय आएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया थोड़ा बहुत, तो आप लोगों को उससे बात बता दी है अपनी। ऑल दो थोड़े बहुत और फैक्ट्स अगर जानने हो तो हल्का फुल्का मैं बता देता हूँ आपको, कि जैसे तमिल का जो रामायण है उसको रामावतारम बोलते हैं, उसको लिखा था कम्बन ने, बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी बाइबल या लघु वेद ऑफ तमिल जो है बोला जाता है, एक किताब है उसको, उसका नाम है कुरल, जो कि थिरुवल्लुवर ने लिखी थी, और कुरल को जो है मुप्पल भी बोला जाता है, MUPPAL, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है आपका जो चोला डायनेस्टी थी, जो आप हम लोग ज़्यादातर संगम एज में पढ़ते हैं, तो इसका अगर हम लोग एंड जाने, अगर थोड़ा बहुत फैक्ट और बताना है तो इसका एंड जो है वो हम लोगों को मिल जाता है, आमिर खुसरो की एक किताब थी खजानुल फतू, उससे पता चलता है कि मलिक काफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी का जो कमांडर हुआ करता था डेक्कन कैंपेन के समय पे, तो जो है उसने एंड कर दिया था इन लोगों का। बाकी उससे पहले, इस वारदात के पहले में जो है बैटल ऑफ कोलोटूना भी हुई थी 1949 AD के आसपास में, नहीं बैटल ऑफ टकुलम हुई थी 1949 AD के पास, तो उसमें एक राजादित्य हुआ करते थे जिसमें जो कि परंतक वन जो सबसे एंशियंट चोलास जो हुआ करते थे उनका लड़का था, तो उसको हरा दिया था, राष्ट्रकुटा किंग थे एक कृष्णा 3, उन्होंने हराया था उसको। और थोड़ा बहुत इसकी थ्योरी देख लेते हैं। द ओनली बुक विच कैन बी कॉल्ड अ बुक ऑन हिस्ट्री इन ट्रू सेंस इज कल्हानाज राजतरंगिनी, ये 1149-50 AD के आसपास में बताया जाता है कि ये राजतरंगिनी किताब जो है वो उस समय पे लॉन्च हुई रही होगी। और कल्हाना जो हैं ये कंटेम्प्रेरी थे जयसिंह के, जो कि उस समय पे रूलर था कश्मीर का। और फिर
इन द एब्सेंस ऑफ हिस्टोरिकल वर्क द स्कॉलर हैज़ टू रिलाई अपॉन नॉन हिस्टोरिकल लिटरेचर विच इफ केयरफुली एंड ऑब्जेक्टिवली एनालाइज इज ऑफ इमेंस हेल्प इन ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक प्रेजेंटेशन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री वाइल रिलीजियस लिटरेचर इन्फॉर्म्स अस अबाउट रिलीजन एंड फिलोसफी एंड जस्ट मेक्स पासिंग रेफरेंसेज टू पॉलिटिकल इवेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस द सेक्युलर लिटरेचर प्रोवाइड्स इनफ इन्फो अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री एज वेल एज सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ. अब ये जो नॉन रिलीजियस लिटरेचर है इससे हम लोगों को काफ़ी कुछ पता चलता है. कुछ तो हम लोगों को एवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड इंडिया के बारे में भी पता चलता है. जैसे कि मेडिसिन में अगर हम लोग देखें तो जीवाक हुआ करते थे, जो बिम्बिसारा जो सबसे पहला हम लोग किंग जानते हैं, हिरण्यक डायनेस्टी हुई, मगध एम्पायर जब बना तो उसमें जो बिम्बिसार थे इन्होंने जो चंद्रपद्योत हुआ करते थे अवंती के किंग, उज्जैन में रूल करते थे, तो उनको इन्होंने एक अपना फिजिशियन भेजा था, वो जीवाक थे, तो इन्होंने उनको जॉन्डिस से क्योर कर दिया था. सिर्फ एक ग्लास में जूस कोई था, वो जूस पिलाया, उससे उनका जॉन्डिस दूर हो गया. इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि इन्होंने पाइल्स जो है वो सही कर दिया था सिर्फ एक सिंपल से पेस्ट से. तो खैर अब तो उतनी साइंस पता नहीं कितनी भी इवॉल्व हो जाए उतनी तो नहीं इवॉल्व होगी जितना इन लोगों ने पहले ही करके दिखा दिया था. उसके अलावा फिर क्या कहते हैं, चरक होते थे, ये कनिष्क के टाइम पे रहे, इन्होंने चरक संहिता लिखी. फिर सुश्रुत भी हुआ करते थे, वाग्भट्टा थे, कश्यप थे, ये सब तो बहुत पुराने हो गए. जो है चरक तो काफ़ी लेट आए. इसके अलावा फिर सुश्रुत और वाग्भट्टा कश्यप इन लोगों का तो एक बॉवर मैन्युस्क्रिप्ट होती है जो कि बर्च बार्क जो कहते हैं ना, बर्च एक पेड़ होता है जो हिमालयाज में पाया जाता है, तो जो है वहाँ से हम लोगों को जो है एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली. तो वो पता चला हमको कि जो है ऐसे ऐसे लोग भी थे हमारे यहाँ पे, और इन लोगों ने आयुर्वेदा के ऊपर में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें अपनी लिखी. ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी ये हम लोगों को कूचर से मिली थी जो कि चाइनीज़ तुर्कस्तान में मिलती है. इसके अलावा जो है एक धन्वंतरी भी थे, वो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे मौजूद थे, उनके नवरत्नास में एक थे. चंद्रगुप्त टू के टाइम पे कहापनक भी हुआ करते थे, ये एक एस्ट्रोलॉजर थे. वराहमिहिर थे, ये एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने पंच सिद्धांतिका लिख दी थी, और इसके अलावा बृहत जताका और बृहत संहिता भी लिखी थी इन्होंने. बाकी जो है हम लोग सूर्य सिद्धांत के बारे में जानते हैं, मैथमेटिक्स की सबसे पुरानी किताब अगर हम लोग जाने तो सूर्य सिद्धांत ही थी, जिसमें साइन कोसाइन इन सब चीज़ों के बारे में पता चला हम लोगों को. ऑल दो कुछ बातें गलत उसमें लिख दी गई थी, एस्ट्रोनॉमी पे भी लिखा गया, कैलकुलेशन की गई थी, तो उसमें कुछ बातें गलत थी. जैसे कि इन्होंने मान लिया था कि जो है सन जो है वो रिवॉल्व करता है अर्थ के बगल में, ना अर्थ को फिक्स्ड पोजीशन मान ली थी. बाकी आर्यभट्ट हुआ करते थे, इनकी किताब मैंने बताई दी आर्यभटिया. बाकी एक और बुक लिखी थी इन्होंने दशगीतिका, और आर्यभट्ट सिद्धांत भी लिखी थी इन्होंने ही. बाकी एक ब्रह्मगुप्त हुआ करते थे, ये भी एक बहुत बड़े वो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका लिखी थी. और एक और जो अगर हम माने तो भास्कर जो है ये भी बहुत बड़े वो मैथमेटिशियन थे. अब भास्कर वन जो थे इन्होंने आर्यभट्ट भाष्य लिखी थी, ये आर्यभट्ट के ही चेले हुआ करते थे. और भास्कर टू जो थे ये तो खैर लेट आए, इन्होंने डीए 12th century AD के समय पे आए, और इन्होंने जो है इनका जो वर्क था कैलकुलस के ऊपर में दैट प्रीडेट्स इवन न्यूटन एंड लिबनेस. तो जो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं वो तो न्यूटन ने बताया, और इंटीग्रल कैलकुलस जो पढ़ते हैं वो लिबनेस ने दिया था. तो ये उनसे भी पहले इन्होंने ये इसके ऊपर में बात कर दिया था, इन्होंने डिफरेंशियल को एफिशिएंट बना दिया था उससे पहले ही. और इनको भास्कर आचार्य भी बोला जाता है. इनकी एक कुछ एक किताब है बहुत, उसका नाम याद करने लायक है, सिद्धांत शिरोमणि नाम है उसका, इसको याद कर लीजिएगा. बाकी एक करण कौतूहल भी इन्होंने लिखी थी. बाकी सिद्धांत शिरोमणि के अंदर में ही लीलावती भी आ जाती है, और बीजगणित भी आ जाती है, तो अरिथमेटिक अलजेब्रा के ऊपर में इन लोगों ने काफ़ी अच्छा वर्क किया था. बाकी कुछ अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता करें तो वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो ये आप लोग जो है यहीं से देख लीजिएगा. वो है कि जैसे प्री मॉडर्न टाइम में पनिनी थे, इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, इन्होंने ग्रामर पे लिखी थी,
ये उन प्रीमॉडर्न टाइम के बारे में ये सारी बातें ये किताबों के से हम लोगों को पता चलता है। श्री हर्षा ने नैषधीय चरिता लिखी थी, इसमें इन्होंने नाल दमयंती एपिसोड जो होता है अपना महाभारत का वो इसके बारे में लिखा था इन्होंने। बाकी भरवी ने किरत अर्जुनियम लिखी थी, जिसमें लड़ाई हम लोगों ने देखी कि अर्जुन की जो है शिव जी के साथ लड़ाई हो जाती है। फिर माघ थे, इन्होंने शिशुपाल वध लिखा, ये भी महाभारती समय की बात है, शिशुपाल के वध के लिए लिखा गया था। मौर्यन एज के बारे में पता चलता है हमको, विशाखदत्ता की किताब है मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा सरित सागर, शमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन, और शुंगा की पतंजलि। शुंगा डायनेस्टी के बारे में पता चलता है, पतंजलि जो हैं उन्होंने महाभाष्य लिखा था, कालिदास ने मालविका अग्निमित्र लिखा था। गुप्ता एरा के बारे में हम लोगों को पता चलता है, विशाखदत्त के ने देवी चंद्रगुप्तम लिखी। शमेंद्र का जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इन्होंने बृहत कथा मंजरी लिख दी थी। शूद्रक ने मृच्छकटिका लिखी, मृच्छकटिका एक लव स्टोरी टाइप की थी, जिसमें एक जेम मर्चेंट हुआ करता था और एक जो लड़की थी वो कोटसन था, एक आदमी था कोटसन, उसी की बेटी हुआ करती थी। तो उसके बाद उससे हम लोगों को पता चलता है। कमंडक जो है इन्होंने नीति सार लिखी, डांडी ने दास का कुमार चरित्र लिखी, और चंद्रगुप्त टू के तो नवरत्नों में कालिदास आते ही हैं, जिन्होंने कुमार संभव, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रा ये सब किताबें लिखी थी। ये सब याद कर लीजिएगा ताकि आगे जो है आपको ज़्यादा रटने की कोशिश ना करनी पड़े। ये सब चीज़ें आपको याद रहेंगी ऑलरेडी, तो फिर वो बड़े इजीली आप ग्रैब कर ले जाएंगे हिस्ट्री को। और पोस्ट गुप्ता पीरियड के समय पे जो है जिसके बारे में हम लोग पता चलता है, बना भट्ट की किताब है हर्षचरित, इन्होंने हर्षवर्धन के ऊपर लिखा था, और हर्षवर्धन ने खुद में ही अपने किताबें लिखी थी जिनका नाम था प्रियदर्शिका, नगानंद और रत्नावली। और बिल्हान ने फिर लिखी थी विक्रमदेव चरित, संध्याकर नंदी ने रामचरित, और ये जो बिल्हान ने विक्रमदेव चरित लिखी थी ये विक्रमादित्य हुआ करते थे उज्जैन के, उनके लिए उनके बारे में लिखा था, जो कि चालुक्य रूलर हुआ करता था। संध्याकर नंदी ने जो रामचरित लिखी है, रामपाल हुआ करते थे बंगाल के, इनके बारे में लिखा। और बंगाल के ही एक और रूलर जो मैंने बताया, जिन्होंने लक्ष्मण एरा स्टार्ट किया था, लक्ष्मण सेना, उनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे जयदेव, उन्होंने गीत गोविंद भी लिखी थी। वकापति ने गौड़वाहो लिखी, ये रुद्र दमन या अरे सॉरी वो यशो वर्मन जो अपने हुआ करे, यशो धर्मन जो मैंने आपको बताया था कि जिन्होंने मीर कुल को हरा दिया था बैटल ऑफ सौंडनी में, ये उनके बारे में पता चलता है यहाँ से। जयसिंह ने कुमारपाल चरित लिखी, कुमारपाल ऑफ गुजरात ऑफ कोर्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रूलर हैं। हेमचंद ने द्वाशर्य काव्य लिखी, ये भी कुमारपाल के एरा के समय की बात होती है। जनक ने पृथ्वीराज विजय लिखी, और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी, ये इस यहाँ से हम लोगों को पृथ्वीराज जी के बारे में पता चल जाता है। चंद्रबरदाई ने परमल रासो भी लिखी थी, जो कि चंडेला रूलर्स के बारे में पता चलता है हमको यहाँ से। चंडेलास के को जो है पृथ्वीराज जी ने बहुत बुरी तरह हराया था, तो उसमें दो ब्रदर हुआ करते थे, आला और उदल, बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, तो उनके ऊपर में एक किताब लिखी गई थी जागनिक द्वारा, जिसका नाम था आला खंड, तो ये भी याद रख लीजिएगा। पदम गुप्ता ने लिखी थी नव शशांक चरित, और अलबिरूनी ने लिख दी किताबुल हिंद। अलबिरूनी तो आए थे अपने जो है ये महमूद अफ गजनी के साथी में, और फिर राजशेखर थे, इन्होंने कर्पूर मंजरी लिख दी थी। अब इसके अलावा जो है अब हम लोगों के पास में बात आती है जो है, अब सीधे जम करते हैं फॉरेन अकाउंट्स के ऊपर ही। इसमें इन एंशंट टाइम्स अ नंबर ऑफ ट्रैवलर्स फ्रॉम रोम, ग्रीस, वेस्टर्न एशिया एंड चाइना विजिटेड इंडिया। बिसाइड दीज ट्रैवलर्स सम अदर फॉरनर्स केम एज आर्मी कमांडर और एम्बेसडर्स। और फादर ऑफ हिस्ट्री एज वी नो इज हीरोडोटस, ही वॉज अ ग्रीक, और इन्होंने किताब लिखी थी हिस्टोरिका। और नंदा जो डायनेस्टी हुआ करती थी उसके बारे में हमको कर्टियस से एक राइटर हुआ करते थे, ग्रीक थे, तो
उनसे पता चलता है। इन्होंने धनानंद की आर्मी के बारे में बताया था कि 20,000 कैवलरी है और 3,000 एलिफेंट हैं, न जाने कितने हॉर्सेस हैं, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। धनानंद को एग्रमेस या जेंड्रमेस भी बोला है ग्रीक राइटर्स ने। मौर्यास के बारे में अगर पता करें तो जो फॉरेन अकाउंट हैं उसमें से मेगस्थनीस थे, एक सेल्यूकस निकोटोर हुआ करता था, उन्हीं का एम्बेसडर थे ये। इन्होंने इंडिका किताब लिखी थी। सेल्यूकस निकोटोर वही थे जो अलेक्जेंडर जब आए थे तो जो है जो क्या कहते हैं, इन्होंने पोरस को हराने के बाद में जो है जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था वो पूरा इन्होंने ऑक्यूपाई किया था। फिर जाते वक्त सेल्यूकस निकोटोर को वो वहाँ का गवर्नर बना दिया था। और फिर स्ट्राबो की बात होती है। स्ट्राबो जो है इन्होंने बिंदुसार के बारे में लिखा। बिंदुसार को एमिटोकेट्स भी बोलते हैं ग्रीक राइटर्स। प्लाइनी ने भी बिंदुसार के बारे में ही लिखा, क्योंकि जो डायोनेसियस हुआ करते थे वो बिंदुसार के समय पे विजिट किए थे बिंदुसार के कोर्ट को। डायोनेसियस जो है ये एम्बेसडर हुआ करते थे टॉलनी फिलाडेल्फस के, जो कि एक इजिप्शियन रूलर हुआ करता था। डायमाकस जो है ये एक एम्बेसडर था जो कि बिंदुसार के कोर्ट को विजिट किया था, और ये एंटियोकस वन का एम्बेसडर था जो कि सीरिया का रूलर हुआ करता था। इसके अलावा एक तिब्बतन मॉन्क हुआ करते थे तारानाथ, इन्होंने किताब लिखी थी कंग्यूर और तंग्यूर। इससे भी हमको मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पता चलता है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के बारे में मैंने बता ही दिया आपको कि जो है इम्पोर्टेंट पोर्ट्स के बारे में पता चल हम लोगों को यहाँ से, जो तमिल रीजन में एग्जिस्ट किया करते थे, आपको नाम मैंने बता ही दिए हैं। और उसके बाद में फिर चाइनीज़ ट्रैवलर्स की बात कर लेते हैं। चाइनीज़ ट्रैवलर्स में जो सबसे पहले बात करें तो दे मेंशन इंडिया एज इंतु और थियांतु, जैसा कि हमको बताया कि जो है ये या तो हिंदू रहा होगा या सिंधु, उनको ये इस तरीके से बोलते थे। और इंडिया को सबसे पहली बार जो है वो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट्स में हमको पता चलता है कि मेलुहा बोला गया। और इसके अलावा जो हमारे हम लोग सिंधु घाटी के इधर जो थे हुआ करते थे उनको ये लोग सिंधु बुलाते थे, तो वहीं से हिंदू वर्ड भी ओरिजिनेट हुआ, तो ये पर्शियन हो गया मतलब एक तरीके में। वैसे तो मेसोपोटामिया नहीं बोलते हैं, मेसोपोटामिया एंड पर्शिया दोनों मिल के ही हम लोगों को इस तरीके से सिंधु के इधर वालों को सिंधु बोलते थे। मतलब एक तरीके से कल्चरल स्लैंग था कि हम लोग जो है सिंधु घाटी किस तरफ रहते हैं तो रहने वालों को सबको सिंधु बोल देते हैं। उसके अलावा फिर चाइनीज़ ट्रैवलर्स में एक तो फाहीन हुआ करते थे, ये आए थे 405 से 411 AD के बीच में, चंद्रगुप्त टू समय पे रूल करते थे, उसी समय आए थे। इन्होंने गुप्ता एज को गोल्डन एज ऑफ इंडिया बता दिया था। और फिर ह्यून सैंग आए थे, ये 630 से 45 AD के बीच में ये आए थे, तो उस समय हर्षवर्धन जी का रूल हुआ करता था। इन्होंने एक किताब लिखी थी सीयू की, और एक किताब लिखी थी रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न रीजन्स। ह्यून सैंग जो है वो कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। उस समय चाइना में एक रूलर हुआ करता था टाइसुंगा, जो कि एक टैंग डायनेस्टी चलती थी, तो उसी का रूलर हुआ करता था। ह्यून सैंग ने ही लर्न्ड योग शास्त्र एट नालंदा, ये नालंदा आए थे अराउंड 637 AD के पास में, और यहाँ पे 1.5 साल रह के जो इन्होंने योग शास्त्र की पढ़ाई करी थी। और उस समय नालंदा के जो वाइस चांसलर हुआ करते थे वो थे आचार्य शीलभद्रा। इसके अलावा एक थर्ड जो चाइनीज़ ट्रैवलर हैं वो इनके बारे में भी जानना सही रहता है, इटसिंग थे ये भी 7th सेंचुरी में ही आए थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी बायोग्राफीज ऑफ एमिनेंट मॉन्क्स। इससे हम लोगों को पता चलता है अबाउट वेरियस मोनास्ट्रीज ऑफ बुद्धिस्ट लाइक नालंदा एंड विक्रमशिला। तो यहाँ से हम जो है एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर का और अपना सोसाइटी की एज के बारे में हम लोग पता कर पाते हैं। अब जो है यहाँ पे हम लोग जो है अपने सोर्सेस वाले चैप्टर को तो यहाँ कंप्लीट मानते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को स्टोन एज के बारे में पढ़ा दूंगा, जिसमें पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक एज के बारे में पता चलेगा। तो होल्ड टाइट टिल देन। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी अपने दोस्तों में भी बांटिए इस वीडियो को जिनको ज़रूरत हो। और
आने वाले समय में ये वीडियो तो आते ही रहेंगे। अब जो है मैं आप लोगों को लगभग सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सही रहेगा। और अपनी फैमिली में भी इसको जो है पास ऑन करिए, ताकि जो आइडेंटिटी क्राइसिस आजकल सोसाइटी में हो रखी है कई सारी, तो वो सबको दूर किया जा सकता है हिस्ट्री के लेसन्स के थ्रू ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को वहाँ तक जो है रीच कराऊँगा कि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो पाएंगे किसी भी पेपर में। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।